जय हिंद दोस्तों, आज के फ्रेश और ऑसम वीडियो में देखेंगे दरभंगा एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के जगह का ग्राउंड रिपोर्ट, कितना काम हुआ है। साथ ही देखेंगे दरभंगा एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का डिटेल्स फीचर्स। इतना ही नहीं, जानेंगे कुछ अवसर के बारे में भी। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में, मैं राकेश। चलिए वीडियो को अब तक देखते हैं। उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक, सब उड़े सब जुड़े। भारत सरकार के रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS के उड़ान योजना के तहत देश का सबसे सफल एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट का परमानेंट टर्मिनल बिल्डिंग का टेंडर कुछ महीने पहले सरकार द्वारा ओपन किया गया था। 6 बीडर द्वारा बोली लगाया गया था। यहां बताना चाहता हूं कि टेंडर का सीमा 631.7 करोड़ रुपये था। 2 साल के अंदर निर्माण करने का डेडलाइन की शर्त थी। अहुवालिया कॉन्ट्रैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 572 करोड़ रुपए का सबसे कम रकम का बोली लगाकर यह कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया गया है। टेंडर में बेसिक ग्राउंड वर्क का काम अप्रैल से जून के बीच शुरू करने का है। वीडियो में आगे दिखाऊंगा कितना काम शुरू हुआ है, लेकिन परमानेंट टर्मिनल बिल्डिंग कैसा होगा कुछ झलकियों के साथ फीचर्स देखते हैं। ज्ञात होगा कि 52.48 एकड़ लैंड एक्वायर किया गया है परमानेंट बिल्डिंग के साथ नए सुविधाएं विकसित करने के लिए। 30 लाख सालाना यात्री क्षमता को ध्यान में रखकर अस्थाई भवन को 59,222 यानी कि 59,222 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में निर्माण किया जाना है। इस अस्थाई भवन में बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर तथा 2 फ्लोर ऊपर बनेंगे। साथ ही यात्रियों को परमानेंट बिल्डिंग से सीधा हवाई जहाज में जाने के लिए 5 एरो ब्रिज का निर्माण होगा। मतलब अब बस से एयरपोर्ट तक जाने की जरूरत समाप्त होगा। परमानेंट बिल्डिंग बन जाने के बाद आसानी से 24 आवर्स एयरपोर्ट का परिचालन हो सकेगा, जिसके चलते कैब सर्विसेज, टूर एंड ट्रेवल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट के साथ 5 किलोमीटर के दायरे में जमीन फ्लैट्स में निवेश अच्छा रहेगा। बता दूँ 22 फरवरी को ही टेंडर विनर अनाउंस किया गया था, तो उस हिसाब से काम शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन कितना काम शुरू हुआ है आगे इस वीडियो में देखें। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं दरभंगा एयरपोर्ट के अंतर्गत बनाए जाने वाले दरभंगा एयरपोर्ट परमानेंट टर्मिनल बिल्डिंग के साइट के नज़दीक। ये जो आप देख रहे हैं, जितना भी खाली जगह देख रहे हैं, यहीं पर दरभंगा एयरपोर्ट परमानेंट टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जाएगा, बिल्कुल ही NH-57 के बगल में। अब जैसे कि देख सकते हैं, ये NH-57 है, ये जा रहा है पूर्णिया की तरफ, या यूं कहें झंझारपुर की तरफ, और इसी से सटा हुआ वासुदेवपुर मौजा से लगभग 70 एकड़ जमीन एक्वायर किया गया है। यहाँ तक कि कंपनी, जो भी कंपनी इस परमानेंट टर्मिनल बिल्डिंग को बनाएगी, उसका टेंडर भी अवार्ड किया जा चुका है। अहुवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी इस परमानेंट टर्मिनल बिल्डिंग को बनाई गई। लगभग 600 करोड़ रुपए से इस परमानेंट टर्मिनल बिल्डिंग को बनाया जाएगा। हम आपको एक इसका परमानेंट टर्मिनल बिल्डिंग का एक डेमो भी दिखाऊँगा वीडियो में आगे, लेकिन पहले देखें ये पूरा साइट। कुछ भी अभी तक फिलहाल काम नहीं होता हो रहा है। हो सकता है विधानसभा से पहले इसका भी भूमि पूजन किया जाए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो यहाँ पे जो परमानेंट टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी, यह दरभंगा एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत देश में पहला सबसे सफल एयरपोर्ट के रूप में अपना नाम बना चुका है। अब यहाँ पे बिहार सरकार को ये होना चाहिए जो इसको और फैसिलिटी के साथ 24 आवर्स के लिए फ्लाइट ऑपरेशन यहाँ से किया जा सके, जिसके लिए महत्वपूर्ण काम ये है कि परमानेंट टर्मिनल बिल्डिंग बने, 2 रनवे बने, एरोप्लेन के पार्किंग के लिए एम्पल स्पेस हो, और लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए, रात में लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जो भी यंत्र चाहिए वो जल्द से जल्द लगाया जा सके।
तो ये आप जैसे कि देख रहे हैं, और इस तरफ अगर हम जाएंगे तो ये मुजफ्फरपुर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये जगह बहुत ही संभावनाओं से भरा हुआ जगह है। यहाँ आसपास के लोगों के लिए एक ड्रीम कम ट्रू प्रोजेक्ट होने वाला है। सोचिए, जो कुछ साल पहले तक यहाँ के लोगों को कुछ नहीं पता था जो यहाँ की ज़मीन का रेट क्या होगा, अभी ज़मीन का रेट यहाँ पे स्काई रॉकेट की तरह जंप किया है। तो ज़रूर हम ये कह सकते हैं इसमें दरभंगा एयरपोर्ट का यहाँ से ऑपरेशनल होना, इसमें इसका काम, इसका इसकी वजह से ये सब सारा हो रहा है। और यहाँ दरभंगा के लोगों के लिए यह एक एयरपोर्ट निश्चित तौर पे ही बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी, एयर रूट जर्नी, दरभंगा को पूरे देश के साथ एयरपोर्ट, एयर कनेक्टिविटी यह एयरपोर्ट के द्वारा प्रदान किया गया है। उड़ान स्कीम के तहत बनाया गया यह देश में, फिर से बता रहा हूँ, यह सबसे सफल एयरपोर्ट है, लगातार प्रॉफिट में है, कल डे से प्रॉफिट में है। जो छोटा मोटा विवाद है उसको छोड़कर सब कुछ यहाँ पे बढ़िया हो रहा है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ से थोड़ा सा ही आगे, दो तीन किलोमीटर आगे भी नहीं, यहाँ से इस एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आमस एक्सप्रेसवे, 189 किलोमीटर लंबा आमस एक्सप्रेसवे जो दरभंगा को औरंगाबाद से पटना होते हुए कनेक्ट करेगा। 7 जिला कुछ समय पहले ही आमस एक्सप्रेसवे का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया है, भूमि पूजन किया गया है। बिहार दौरे के समय में, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो वो साइड भी मैं आपको दिखाऊंगा जहां पे ये एयरपोर्ट आमस एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करता है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो मैंने कुछ दिन पहले शूट किया था, तो कैसा लगा ये वीडियो अपना कमेंट्स ज़रूर बताएं, और दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में और क्या जानना चाहते हैं यह भी ज़रूर कमेंट्स करें। हो सकता है मैं एक दो दिन में वहां जाकर और भी डिटेल्स आपको बताऊं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आमस एक्सप्रेस पे दरभंगा एयरपोर्ट को कैसे कनेक्ट कर रहा है, कितना दूरी है।